लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। एक जोड़े को कई महीने की जेल की सजा इसलिए दी गई है क्योंकि वो कार में एक दूसरे को किस रहे थे। ये मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अल्जीरियाई मूल के फ्रांसीसी नौजवान नसीम अवदी और उनकी ट्यूनीशियाई गर्ल फ्रेंड को ये सजा पिछले हफ्ते कोर्ट ने सुना। नसीम 33 बिलियन रुपए के हैं और उनकी गर्ल फ्रेंड की उम्र 44 है। बात यहां तक बढ़ी कि इस मामले में ट्यूनीशिया में फ्रांसीसी दूतावास को दखल देना पड़ा। नसीम के वकील ने कहा, दोनों ने क्लब से निकलने से पहले थोड़ी सी शराब पी थी और कार के भीतर एक दूसरे को किस रहे थे। वहां पुलिस से उनकी झड़प हुई और पुलिस उन्हें थाने लेकर आ गई। वहीं कोर्ट के प्रवक्ता के मुताबिक ये मामला सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है। हालांकि उनका कहना है कि इस जोड़े को सजा इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने एक सरकारी मुलाजिम को उसकी ड्यूटी करने से रोका था। जज ने नसीम को 4 महीने और उनकी गर्ल फ्रेंड को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। इस मामले के बाद नसीम की मां ने ट्यूनीशिया आकर फ्रांसीसी दूतावास से मदद मांगी। इस वाकये को लेकर ट्यूनीशिया की सोशल मीडिया में लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक ने कहा, ट्यूनीशिया में गर्ल फ्रेंड को किस करने पर आपको 4 महीने की जेल हो सकती है जबकि किसी को पीटने पर कोई सजा नहीं होती।